हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। एप्लेट प्रोग्रामिंग के ही क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि एप्लेट में हम पैरामीटर्स को कैसे पास कर सकते हैं। नाउ देर इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन इन द थ्योरी एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज विच आस्क हाउ वी कैन पास एन पैरामीटर वैल्यू फ्रॉम एन HTML फाइल टू एप्लेट कोड। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है दैट एक्सप्लेन हाउ ए पैरामीटर वैल्यू कैन बी पास्ड, तो आपको सिर्फ थ्योरी ना लिख के एक एग्जाम्पल लिख के दिखाना है, जैसे मैं समझाऊंगा अभी, और उसे एक्सप्लेन करना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे लिखते हैं। अब उसके लिए हम HTML फाइल का कोड पहले लिखेंगे और जावा फाइल का कोड बाद में लिखेंगे। HTML फाइल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं। सबसे पहले तो आपको इसमें एप्लेट कोड में जावा की फाइल का नाम लिखना है, जो कि डॉट क्लास फाइल होती है। सपोज मैंने यहाँ पे बनाया था एप्लेट टू, सो यू हैव टू यूज हेयर एप्लेट टू डॉट क्लास, देन स्पेसिफाई विर्थ एंड हाइट। सपोज विर्थ इज 400 एंड हाइट इज 400। उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट टैग है इस क्लास के लिए वो है परम टैग, और पैरामीटर का शॉर्ट फॉर्म पैरम। नाउ इन द पैरम टैग द फर्स्ट पैरामीटर इज नेम। ये आपका पैरामीटर का नेम है जिसको मैं वैल्यू दे रहा हूँ शुरू में, नेम ही। अब आप जब अपनी जावा फाइल के अंदर इस पैरामीटर को एक्सेस करेंगे तो वो इस नेम से एक्सेस होगा। उसके बाद इस पैरामीटर की वैल्यू जो मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ शुरू में हेलो जावा से, उसके बाद आपने एप्लेट को बंद किया, HTML को क्लोज किया और सेव कर दीजिए इसे सपोज a.html से। क्लियर? सो इस प्रॉब्लम में आपने सिर्फ देखा कि यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, नई आई है, वो है पैरम टैग। क्लियर? अब देखते हैं कि जावा के अंदर हम इसका कोड कैसे लिख सकते हैं। तो जावा के अंदर जब मैंने आपको एप्लेट की लाइफ साइकिल बताई थी तो उसमें मैंने क्या कहा था, टू इनिशियलाइज एनी पैरामीटर और वेरिएबल और ऑब्जेक्ट वैल्यू यू हैव टू यूज़ इनिट मेथड। तो इसमें हम इनिट मेथड का यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, मुझे एक पैरामीटर की वैल्यू को यहाँ से यहाँ पे भेजना है, तो मुझे किसी एक वेरिएबल के अंदर उस वैल्यू को स्टोर कराना पड़ेगा। सो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग str, और इनिशियलाइज कर देता हूँ इसको शुरू में मैं नल से। उसके बाद आपको यूज़ करना है इनिट मेथड, सो यूज़ पब्लिक void init, एंड इट्स इन दिस इनिट मेथड यू हैव टू फेच द वैल्यू ऑफ दिस पैरामीटर। तो उसके लिए जो फंक्शन आपको यूज़ करना है वो है गेट पैरामीटर, सो यूज़ दैट गेट पैरामीटर। और इसके अंदर जो आप आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो होगा जो आपने नेम यहाँ पे लिखा था। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी मेरे पास नेम, और इसको क्लोज कर देना है आपको। उसके बाद आपको यूज़ करना है इसमें सिंपल पब्लिक void paint, graphics g, then use g dot draw string। अब जो वैल्यू हम प्रिंट कराएंगे वो प्रिंट कराएंगे जो यहाँ से हमने पास की थी। तो वेरिएबल कौन सा प्रिंट कराएंगे, str, लोकेशन सपोज 100,100। तो ये आपका एक कंप्लीट प्रोग्राम बन गया है। अब इसमें होगा क्या, ये जो वैल्यू ये फेच करेगा उसमें str के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, हेलो डॉट जावा, और हेलो डॉट जावा 100,100 लोकेशन पे प्रिंट हो जाएगा। बट इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, आप जब गेट पैरामीटर के अंदर जो वैल्यू पास कर रहे हैं
ये वाली वैल्यू और ये जो नेम वैल्यू है, दिस शुड बी सेम, क्योंकि इसी से वो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को फेच करके एसटीआर के अंदर सेव कराएगा. सो प्रैक्टिस दिस एंड सी हाउ आई विल इम्प्लीमेंट दिस कोड इन द सिस्टम. सो लेट्स सी द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, देन यू कैन ट्राई दिस कोड इन योर ओन सिस्टम एंड कम अप विद द प्रॉब्लम इफ यू फेस. लेट्स सी द इम्प्लीमेंटेशन. हाउ वी कैन पास अ पैरामीटर फ्रॉम एचटीएमएल फाइल टू एप्लेट जावा फाइल. तो उसके लिए हम पिछली क्लास में जो हमने एप्लेट और एचटीएमएल का कोड लिखा था उसी कोड को यूज़ करते हुए इसमें हम मॉडिफिकेशंस करेंगे. सबसे पहले हम इसमें एचटीएमएल फाइल में एक पैरामीटर टैग बनाएंगे और उस पैरामीटर की वैल्यू को देखेंगे कि वो एप्लेट के जावा कोड में कैसे सेंड होती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स थ्योरी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है दैट एक्सप्लेन हाउ ए पैरामीटर वैल्यू कैन बी पास्ड फ्रॉम एन एचटीएमएल पेज टू एप्लेट जावा फाइल. तो देखिए कैसे करना है. यहाँ तक का कोड आपको सेम रखना है. उसके बाद आपको एक पैराम नाम का एक टैग बनाना है एंड देन यू नीड टू नेम द पैरामीटर बाय यूजिंग नेम टैग एंड द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर कैन बी एनीथिंग. से मैंने इसकी वैल्यू रख दी पैरामीटर सेंड टेस्ट देन क्लोज द पैराम टैग. सिर्फ एक ही लाइन ऐड करी है मैंने अपने पिछले वाली एचटीएमएल फाइल में. पैरामीटर का नेम है ये, इसको हम पी नेम कर देते हैं कन्फ्यूजन दूर करने के लिए. और ये पैरामीटर की वैल्यू है. अब देखते हैं कि इस पैरामीटर की वैल्यू को हम एप्लेट की जावा फाइल में कैसे रीड कर सकते हैं. तो एप्लेट के कोड पे आएंगे. अब इसमें आप देखिए कि जब भी हम जावा में कुछ वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं तो उसके लिए हमें इनिट मेथड को यूज़ करना है. वैल्यू को फेच करने के लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, इनिशियलाइज कर देता हूँ उसको नल से. उसके बाद आपको एक इनिट मेथड बनाना है, इनिट मेथड को यूज़ करना है. और इसमें एस जो हमने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया है उसके अंदर हम वैल्यू लेंगे विद द इनबिल्ट फंक्शन गेट पैरामीटर. और कौन सा पैरामीटर का नेम हमने यूज़ किया था वहाँ पे, पी नेम. तो आप यहाँ पे पी नेम लिखेंगे. ये पी नेम सेम होना चाहिए जो आपने यहाँ पे पैरामीटर का नेम लिखा है. क्लियर. नाउ यू नीड टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ दिस स्ट्रिंग एस. सो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की जगह हम सिंपल एस को प्रिंट करा देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है. सबसे पहले कंपाइल करते हैं applet1.java को. उसके बाद एप्लेट व्यूअर से ही हम ओपन करके देखेंगे. ये देखिए अब यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ गई है, पैरामीटर सेंड टेस्ट. ये वही वैल्यू है जो हमने यहाँ पे यूज़ की थी. सो इस तरह से आप अपना पैरामीटर की वैल्यू को सेंड कर सकते हैं फ्रॉम एन एचटीएमएल टू जावा फाइल. इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के इसमें है, एक तो पैराम टैग यूज़ करना है आपको. सेकंड इज इन द जावा एप्लेट कोड यू नीड टू यूज द इनिट मेथड टू इनिशियलाइज एनी वेरिएबल एंड यूज द गेट पैरामीटर मेथड टू फेच द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर विद द नेम हेयर. Try this at your home and if you face any problem in running the code, post your queries in the comment section. Thank you for watching the video. Please subscribe to the YouTube channel for more tutorials on Java and other computer science related subjects.